आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। भाई साहब, क्या समस्या आप लोगों की? समस्या साहब हमारी ये है कि हमारे लिए जो भी अभी तक वर्क कर रहे हैं हम लोग, टीकाकरण का कभी मानदेय नहीं दिया गया, ना ही कोई पैसा दिया जाता है। अस्पतालों पे सभी अधिकारी, सभी डॉक्टर्स वगैरह सभी लोग बैठे हैं, लेकिन टीकाकरण करने के लिए गाँव में हम ही लोग जाते हैं। जो मोटी तनख्वाह लेते हैं वो तो घरों पे बैठे भी हैं और अपने ड्यूटी केवल अस्पताल तक ही सीमित हैं। किस चीज़ का टीकाकरण कर रहे हैं? हम वैक्सीनेशन इस समय कर रहे हैं FMD का, खुर मुँह का, खुरपका मुँह पका का। इससे पहले गलाघोंटू का भी किया, गलाघोंटू का भी पैसा नहीं दिया। अभी तक लगभग कई बार हम लोग टीकाकरण हर साल करते हैं और कोई पैसा मानदेय नहीं दिया जाता है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हैं, विभागीय और अन्य लोग हैं, वो लोग भी काम करते हैं, लेकिन उनके लिए तनख्वाह मिल रही है, हम लोग को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? कोई भी हमें कोई पैसा ही नहीं मिलता है और हम लोग फालतू में इतना काम किए जाते हैं और करने के बावजूद भी हमें विभाग में कोई भी वरीयता नहीं मिल रही है। और अभी इस समय फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी होने वाली है, फोर्थ क्लास की वैकेंसी के लिए NGO को दे दिया गया। क्या सरकार हम लोग को अनदेखी कर रही है? प्राइवेटों के लिए कुछ नहीं कर रही है। और इससे पहले भी अभी विभाग में काफ़ी वैकेंसियाँ हुई हैं, LEO की वैकेंसी, क्या हम लोग उस लायक नहीं थे? हम लोग तो 2 साल की ट्रेनिंग करके उसके बाद आते हैं, LEO भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन LEO की नई वैकेंसी कर दी जाती है, हम लोग को क्या है? पशु विभाग में आप किस पद पर हैं? पशु विभाग में हम प्राइवेट बेस पे हैं, पशु मित्र पे हैं। कब से है? 2001 से। तब से कोई मानदेय नहीं, कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, कोई पैसा दिया जाता है डेली उस पर? कोई डेली यूज पे पैसा नहीं दिया जाता है। शुरुआत में 11 महीने दिया, उसके बाद घर बैठो अपना काम करो ना करो, घर पे बैठे रहो। अब हम लोग कोई अपना फैक्ट्री में काम करने जाता, कोई मजदूरी करता, कोई कुछ करता है, क्या हम लोग इसीलिए पढ़े थे? और पढ़ने के बावजूद भी आगे भी पढ़ते तो अच्छा रहता, इससे तो अच्छा। अब हम लोग घरों पर बैठ गए, हम लोग इसके बहाने रह गए कि हम पशु मित्र बन गए, शायद हमको आगे भरोसा रहेगा।